राज्यसभा विच खेती कानून के खिलाफ विरोधी धिरां दा जबरदस्त प्रदर्शन वेखण नूं मिलिया। तमाम धिरां ने इकट्ठे होकर केंद्र की सरकार नूं घेरिया। प्रताप सिंह बाजवा ने बेंच ते खड़े होकर नारेबाजी की आ, फाइलां तक सुटते प्रताप सिंह बाजवा दिखाई दिते ने। वड्डी खबर राज्यसभा दे विचों निकल के आ रही है। प्रताप सिंह बाजवा राज्यसभा मैंबर खुद साडे नाल जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह बाजवा जी, आखिरकार क्यों तुहानू फाइलां सुटनियां पईआं? कि सरकार ने गुहार नहीं सुनी? कि राज्यसभा मैंबरां दी गलबात सरकार नहीं सुनना चाहुंदी? देखो, मैं तुहानू दसना चाहना, बड़ा अनफॉर्चुनेट एटीट्यूड इस गवर्नमेंट दा रहा है जी। तकरीबन 19 जुलाई तो लगातार मैं रोज 267 दे थले इन्हू एडजॉइनमेंट मोशन का यह डिमांड करते रहे कि किसानों के मुद्दे से साड़ी गल सुनी जाए, इतने डिस्कशन की जाए, करने तैयार नहीं। तो अल्टीमेटली अज भी इन्होंने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जी है और रात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, बट वो काले कानून से जेडे आ तीन फार्म लॉज ने इन्हों से बहस करने तैयार नहीं। तो साढ़े को मजबूरी साढ़े को होर कोई रस्ता नहीं रह गया वहले च आके। फिर जदों तुहानूं पता किसानों का मसला, किसानों के असी बेटे हाँ, जो अभी वेख्या कि अन्नी बोली तो गूंगी सरकार है, साड़ी गल सुन के राजी ने फिर टेबल से भी चढ़ गया। तो जिहड़े तुसीं कानून कही है किताब मारी, वो तो कानूना की किताब थी, वो चेयरमैन वाल सुटी के इनू चंगी तरह पढ़ के सवेरे आया। तो हाँ जी बाजवा जी, आखिरकार सरकार क्यों नहीं सुन रही? देखो, तुम कानून दियां कापियां चेयरमैन वाल सुटियां कि चेयरमैन साहब इस कानून नूं पढ़ के आया करो, पर मलाल किथे है? देखो, लोक सभा विच भी प्रदर्शन है, राज्यसभा विच भी प्रदर्शन तुसीं कीता। तुसीं गल नहीं समझदे, काले कानून वैस्टर्न वर्ल्ड दी प्रेशर थले लैके आए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन गवर्नमेंट, वैस्टर्न गवर्नमेंट दे प्रेशर थले आया। ये वड्डियां मल्टीनेशनल्स नूं पंजाब दे विच ते बाकी जगह दे विच किसानां दीआं जमीनां ते कब्जा करन वास्ते घल्लिया गया। ये कानून बनिया है उन्हां नूं काबज़ करन वास्ते। एक बार वो काबज़ हो गए, फिर दवाइया भी इन्हां दीआं विकणगीआं, उत्थे फर्टिलाइजर भी इन्हां दा विकेगा, फिर इन्हां दे ट्रैक्टर भी इन्हां दे विकणगे, टेक्नोलॉजी भी इन्हां दी विकेगी। बेसिकली काबज़ होण दी कोशिश है जिहड़ी किसान यूनियन ने समझ ली, पंजाब दे ते बाहरले साडे MPs ने समझ ली, ते असीं इहदा विरोध शुरू कर दिया। गवर्नमेंट इहदे तुहाडे पैर खिच्चण नूं तैयार नहीं, असीं भी पैर खिच्चण नूं पिछे तैयार नहीं। ते मैनूं पता है अंग्रेज़ां दे वेले, मैं दसना चाहना हिस्ट्री के 13 वार किसानां ने मोर्चा लाया सी सरकार के खिलाफ, गोरिया की सरकार के खिलाफ, तो 13 वार ही गोरिया गोडे टेकने पे। ये मौजूदा सरकार ने भी चंगी तरह समझ लेना चाहिए। किसान पंजाब का तो हिंदुस्तान का बड़ा हठी है, बड़ा मजबूत है, इरादे का बड़ा पक्का है। जे वो कोई फैसला कर ले तो लाइन खिंच के कभी पैर पिछा खिंचन वाला नहीं। ये गवर्नमेंट न यह काले कानून वापस लेने पैणगे, नहीं तो इन्हों वी सियासी कीमत आते टाइम से भुगत ली पे। बाजवा जी, तुसी फाइल सुटी है कितने अनुशासनिक कार्रवाई ना तुहाडे खिलाफ कर देने हैं? मैं किसानां वास्ते गोली खाने भी तैयार हाँ जी। इस तो वड्डी इन्हां कार्रवाई हो की कर देनी, सानू जेल च घलो, कल सवेरे ही घलो, तैयार जेल च जाण नूं लोड़ आ, गोली खाने तैयार हाँ, फांसी चढ़न नूं तैयार। असीं किसानां दे बेटे हाँ, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सानू जिहड़ा आशीर्वाद है, उन्हां दे सूलां ते असीं उन्हां दे विखाए हुए रस्ते से चलने वाले हैं। इन्हों गलों का सानू कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। तो आखिरी सवाल बाजवा जी मैं पूछूंगा, देखो ये तो राज्यसभा विच प्रदर्शन सी, पर कांग्रेस ग्राउंड ते प्रदर्शन कदों देखेगी? देखो, पंजाब की सरकार ने एक दिन का प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री पंजाब भी उत्थे पहुंचे सी, तुहाडी ग्राउंड की स्ट्रैटेजी की रहेगी? हुण देखो, पहले असी किसान वीर लड़ रहे ने बाहरों, असी लड़ रहे हैं पार्लीमेंट दे विच जी। पार्लीमेंट जो फ्री होके ये सरकार की घेराबंदी असी रिलीज करांगे। साढ़े हजारा किसान भी 8-9 महीनों के लगातार 500 तो वध शहादतां हो चुकिया ने, गर्मियां कटियां, सर्दियां कटियां, बरसातां कटियां, अपने परिवारां समेत कटियां ने। इस संघर्ष के असी मोढ़े ना मोढ़ा ला के, कदम ना कदम ला के सारिया अपनी किसान यूनियन चलांगे, अल्टीमेट जित साडी होएगी। मैनूं इह पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह बाजवा जी, सानू जानकारी देने दे लिए, साडे नाल तुसी जुड़े। सो प्रताप सिंह बाजवा सानू एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे सी कि किसानों की खातर असी गोली खाने नू भी तैयार हैं, तो अनुशासनिक कार्रवाई जेकर करते हैं तो असी वो भी भुगतने तैयार हैं। पर प्रताप सिंह बाजवा बैल दे विच प्रदर्शन करते दिखाई दते, चेयरमैन दे वाल किताबां जिहड़ियां
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਲਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WTO ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।